मैं हूं शेखर, आप देख रहे हैं कुबेर शेखर टेक्नोलॉजी चैनल। ये वीडियो में मैं फुट एंड काल्फ मसाजर का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। ये जो मसाजर है लाइफ लॉन्ग कंपनी का है, इसके ऊपर लिखा बॉक्स के ऊपर फुट एंड काल्फ मसाजर। ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है। इसका जो कीमत है 12,999 रुपीज़। और इसका जो लगभग वेट रहेगा, इसका 8 से 10 किलो के आसपास रहेगा का, मुझे तो काफ़ी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और ब्लैक कलर का पैडिंग दिया हुआ है और गोल्डन कलर का बॉर्डर है, तो उसके उस हिसाब से ये प्रोडक्ट तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है। और देखते हैं इसका यूज़ कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो फिलहाल तो प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है और इसका लुक तो बढ़िया लग रहा है मुझे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका जो वीडियो आप कंटिन्यूसली देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। और इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, तो आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अभी इसका जो वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है, और 6 मंथ्स वारंटी आप इसका एक्सटेंड कर सकते हैं। और यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं। जैसे कि मैंने एक डेढ़ महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे मम्मी और पापा के लिए मैंने लिया था। तो ये प्रोडक्ट उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उनका फुट एंड काल्फ मसाजर मशीन का जो बिल्ड क्वालिटी है, ये काफ़ी अच्छा है। हम देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। और ये पीछे की तरफ बैक पैनल दिया हुआ है और ये चार स्क्रूज को लगाए हुए, और ये पावर अडाप्टर भी दिया हुआ है, और हम उसको कनेक्ट करके पावर उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, उसकी वायर की जो लेंथ है 2 मीटर या 3 मीटर के आसपास है। तो मैंने बटन चालू कर दिया है, देखिए ये पावर ऑन कर दिया। पावर ऑन होते ही आपको फर्स्ट P1 और सेकंड P2 और P3 मोड मिलेंगे। ये ऑटो जनरेटेड है, तो बीच में अभी उसको अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं। एक क्लिक करके वार्म अप कर सकते हैं, दूसरा क्लिक में आप वाइब्रेशन मिलेगा, और तीसरे क्लिक में आप ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस चलता रहेगा। 15 मिनट का टाइम आउट रहेगा, 15 मिनट में मोटर बंद हो जाएगी अपने आप। और बीच का जो बटन है वो मैनुअल है। अब जैसे आप मैनुअल में क्लिक करेंगे, अभी मैंने बटन बंद कर दिया, अभी पावर ऑन कर दिया, तो ऑटो जनरेट हो जाएगा P1। आप मैनुअल बटन दबा सकते हैं। हाँ, मैनुअल दबाने के बाद 15 मिनट का टाइम आउट आएगा। इसके बाद फर्स्ट बटन दबाने के वार्म अप, सेकंड बटन दबाने के बाद वाइब्रेशन, ये दो मोड आपको इसमें मैनुअल में मिल जाएंगे।